भाई पेट्रोल का शॉर्ट का है विषय यार, आता डायरेक्ट रीडिंग यही जगह। अरे 2 लिटर टाकलं बाबा मी काल। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो सभी? बढ़िया, मस्त मजे में। 2 दिन बाद कैमरा उठा रहा है। फाइनली हमारा जो रहने का जुगाड़ है प्रणव भाऊ का हो चुका है। प्रणव भाऊ की कंपनी यहाँ से करीब मतलब 900 मीटर पर है। प्लस प्रणव भाऊ मतलब थोड़ा सा परेशान थे, पर अभी जुगाड़ हो चुका है। अभी अभी जॉब को गए प्रणव भाई। अभी बच चुके 11 और मैं निकल रहा चिंचवड़ के लिए मेरी वर्क प्लेस पर। रूम टूर करवाता, थोड़ा सा देख लो कैसा है रूम। पीजी है, पेइंग गेस्ट सर्विस, जोलो की, जोलो से हमने बुक किया और मतलब अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिला है। चलते हैं, अभी निकलते हैं, चलो। ये है हिंजेवाड़ी के फेज 1 के नजदीक। ओके, थोड़ा सा ढूंढना हमने फ्लैट की तलाश में थे, पर अगर फ्लैट का कैसा सीन होता है यार, मतलब रूममेट भी ढूंढो, सब ढूंढो। वापस चले गए, 6:30 बजे आएंगे। हाँ रेडी रहो क्योंकि हमें आगे भी निकलना है, मतलब सब डन ही करेंगे। नहीं नहीं, आप मतलब इधर ही रहो ऐसा उस टाइम पर। हाँ भाई शुक्रिया, चलो। ये थे वहाँ के मैनेजर, उनको बोल दिया कि शाम को हमें जल्दी आने का है, प्रणव भाई की शिफ्ट 6 बजे ख़त्म हो जाएगी और मुझे आज वागुली में भी जाना है इन गाड़ी वाले भाइयों के शूज वगैरह लेने हैं मुझे। तो इसी तरह की आज की दिनचर्या होगी। बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि यार मज़ा नहीं आ रहा था, वही मतलब था, स्ट्रगल था, सब था, पर मन नहीं हो रहा था। पुणे का मौसम एक नंबर मौसम होता है, इसलिए मुझे पुणे रहना है, पुणे छोड़ के नहीं जाना है मुझे। देखा ना भाई, एक शॉट है, शॉट ये है ना पूरा, मतलब दोनों तरफ से वन वे किया है। अगर मुझे इस तरह जाना है तो पूरा घूम कर ऐसे जाना पड़ेगा। भाई मैं कल इधर से आ रहा था ना, एक मेरे जस्ट मतलब इसका आगे का ब्रेक का एक इश्यू मतलब लगता ही नहीं है, मेरे जस्ट ऐसा ब्रेक दबाया है, जाले ना भाव गाड़ी स्लिप, इसके डेंजर लाइटर आग लेना माजे। इस टाइम मैंने आई थी दृढ़ निश्चय कर लिया कि अगली बार आऊँगा तो मेरी गाड़ी से आऊँगा, भले मैं चला के आऊँगा कहीं से भी आऊँगा पर मेरी गाड़ी से आऊँगा। और इस गाड़ी का एवरेज भी कम है यार, बहुत मतलब 30-35 है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके जी, मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आप आदित्य बिरला मेमोरियल हॉस्पिटल। भाई यार आज सुबह है ना एक मतलब बहुत बुरी दुर्घटना सुनी मैंने। मेरा एक भाई है राहुल भाई, जो शिरपुर से फार्मेसी कर रहा था दूलिया में, हम साथ थे पढ़ रहे थे यार, मतलब उसके एक्सीडेंट की कहानी सुनी मैंने और बहुत बुरा लगा यार मुझे, मतलब क्या ही बताओ। ये बोल रहा है यार मतलब जिंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं यार, बहुत डेंजर लगा ये सुनकर। और मतलब ना मैंने मेरे माइंड में क्या आया क्या नहीं, पर मुझे लगा ना यार जितना भी मुझे ज़िंदगी मतलब मज़े करने, जो भी चीज़ें करनी है ना वो मैं कर लूँगा, कुछ भी हो जाएगा कर लूँगा मैं, कौन सी भी मुझे पता है मैं कर सकता, मैं ऐसे टाइम के लिए वेट नहीं करूँगा, मैं चालू पढ़ दूँगा मतलब जो भी हो। पहुँच चुका हूँ मैं अपने वर्क लोकेशन पर काकड़े कॉर्नर, अभी यहाँ से मैं अपना काम चालू करूँगा, आपको थोड़ी देर बाद ही मिलूँगा मैं। ओके जी, यही शेड्यूल हो रहा है यार, शाम के 6-7 बज जा रहे हैं और मतलब ब्लॉग ऐसे ही छूट रहे हैं मेरे, इसलिए आपको बार बार मोटो ब्लॉग देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले ये बता दूं कि कल मैं निकल रहा हूँ धुलिया के लिए, अभी जिन भाई साहब की गाड़ी ली है उनके शूज़ मुझे लेने हैं वागोली से, और जहाँ से मुझे शूज़ लेने हैं वहाँ पर मतलब मैंने 2 महीना बोलकर 5-6 महीना सामान रखा है, और समझ लो आप अगर मैं उसी जगह वापस जा रहा, कोई बात नहीं कभी ना कभी फेस करना था, एक बार फेस कर लूँगा, पैसा वगैरह का जो भी सीन होगा सॉर्ट आउट कर लूँगा, पर जाना पड़ेगा वागोली, यहाँ से वागोली है करीब 50 मतलब 1.5-2 घंटे का रास्ता पकड़ के चलो आप, यहाँ से मुझे जाना होगा हिंजेवाड़ी, हिंजेवाड़ी में जाके झोलो वगैरह में कुछ काम वगैरह करके हम जाएंगे फिर से वागोली। यार इस गाड़ी का एवरेज ये का क्या है देखो ना यार, खत्म पेट्रोल, पेट्रोल खत्म नहीं मतलब मैंने जस्ट ऑन पर किया
ओके जी, पहुंच चुके हैं अपने झोलो 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 स्टे पर। प्रणव महोदय को यहाँ पर बैठे हैं अकेले ऐसे शांत मेरी राह देखते हुए। मैं चाबी लेके गया था इसकी वजह से। रजिस्ट्रेशन क्या लगा? नहीं आता लगा तू इतना बड़े लगता है। तो जी अभी बज चुके हैं, कितने बज गए? अभी 7:45 बज चुके हैं। अभी हम निकल रहे वागोली के लिए। ऐसा हुआ था प्रणव भाई की जो चप्पल है वो हम शिवाजी नगर पर भूल गए थे। अभी हमारे भाई साहब ने हमें चप्पल निकाल के दी है खास। नमस्कार बाबू साहेब। अरे बाबू नमस्कार, काय म्हणता? ब्लॉग चालू आहे का? हां चालू असतो बाबू साहेब आमचा ब्लॉग। तुम्ही आले आमच्या ब्लॉग मध्ये, काय अडचण? जेवायचं काय नियोजन बघून घे, काय करायचं, जेवण करून जायचं का तिकडे करायचं? ब्लॉग टाका मी शेअर करतो। नाही नाही करू। अरे यार काय यार भाई, पेट्रोल का शॉर्ट काय विषय यार? आता डायरेक्ट रीडिंग घ्यायचं का? अरे 2 लिटर टाकलं बाबा मी काल। अरे यार एवढं काय बेकार पेट्रोल लागतं हिला? हा साईडला आहे पण तो चालू पाहिजे, 9 वाजलेले। भाई गाडी को हिल थोडासा हिला डुला की आपण स्टार्ट करतो रे। हे हो जा हो जा, साथ में होगा तो चल जाएगी अपनी गाड़ी। भाई साहब मनीष भाई के ना मतलब प्रॉब्लम हो चुकी है मनीष भाई की। मनीष भाई का होटल भी चल नहीं रहा यहाँ पर, मतलब कंस्ट्रक्शन चालू है, बाकी का सब चीजें चालू है। अभी मैं मनीष भाई के होटल में यहाँ पर बैठकर गाना बजा रहा हूँ। अभी मनीष भाई के जख्म को चोल रहा मैं। अभी कोई नहीं, आप गाना सुनो। गाना